भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कामेश्वर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में विदेशी एजेंसियों के इशारे पर विरोधी दलों के लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं तथा कृषि बिल को लेकर किसानों में अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाई गई योजना को किसानों तक पहुँचाना, उनके बीच जाकर उनको जागरूक करना। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार ने किसानों की आय 2022 में दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा 11 सदस्यीय टीम बनाकर गांव के किसानों को संगठित करेगी और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा, देखिए वर्तमान समय में पूरे देश में विदेशी एजेंसियों के इशारे पर अपने देश के कुछ विरोधी दलों के लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो पहली हमारी प्राथमिकता यह है कि किसानों को उनके हित के बारे में सरकार क्या क्या दे रही है, क्या क्या योजना बनाई है, इसकी जानकारी देना और जन जागरण करना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता यह है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार यह संकल्प लिया है कि 2022 जब देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाएगा तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। उस आमदनी को दोगुनी करने के लिए सरकार की जो भी योजना है उसको धरती पर आम किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसान मोर्चा की रहेगी। इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए और किसानों को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए हर गांव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 11 सदस्यीय समिति बनाएगा और उस समिति के माध्यम से हम गांव के किसानों को संगठित भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा भी करेंगे और ऐसे गुमराह करने वाले तत्वों को करारा जवाब भी देंगे। फिलहाल ये 3 महीने की हमारी कार्ययोजना है। ये जो 11 सदस्यीय समिति बनेगी इसका यह प्रयास रहे कि गाँव में जितना भी मत पड़े उस मत का 70% मत भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए जो 11 सदस्यीय समिति है ये गाँव में रहकर सक्रिय रहेगी, क्रियान्वित रहेगी और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के हितों में है या आम जनता के हितों में है उसको आम जनता और किसानों के मिले इसके लिए प्रयास करेगी। किसान मोर्चा